सीडलिंग बोलते हैं, और इसको हम लोग अपने ही फल का बीज, स्वस्थ फल का बीज निकाल करके उसको मिट्टी में डाल देते हैं। ये जब उगता है और ग्राफ्ट के लायक करीब पेंसिल साइज की मोटाई इसकी हो जाती है, तो इसको हम लोग खोद करके फिर पॉली बैग में शिफ्ट करते हैं, जो पॉली बैग 1 किलो से 1.25 किलो मिट्टी का होता है। करीब 5x7 के पॉली बैग में इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। उसके बाद इसको पॉली ग्रीन हाउस, जो अपना नेट हाउस बना हुआ है, उसके अंदर इसको क्यारियों में लगाते हैं। उसमें जब कल्ले खूब भरपूर हरे हो जाते हैं, तो उसका जनवरी करीब 15 जनवरी से हम लोग ग्राफ्टिंग शुरू करते हैं, और ये पूरा फरवरी ग्राफ्टिंग होता रहता है। तो उस तरह से हम लोग अपना अमरूद का पौधा तैयार करते हैं ग्राफ्टेड। अमरूद में ग्राफ्ट करने के लिए इस तरीके से जो है काट के कल्ला जो है तैयार किया जाता है। ये कलम बनाने के पहले, ग्राफ्ट करने से जो है 4 दिन पहले ये विधि, 15 दिन करीब 8 दिन पहले, 7-8 दिन कल्ला तैयार, कलम बनाने के लिए कल्ला तैयार करने की विधि ये 15 दिन पहले जो है कर देनी चाहिए, जिससे इसमें जो है फुटाव आ जाए, और जहाँ से हली डाल रहा है वहाँ से इसको काट के अलग कर देना चाहिए। जो अमरूद का पौधा हम तैयार करते हैं उसके ग्राफ्टिंग के लिए पहले तो जो डाली अच्छी होती है मजबूत, उसका हम चयन करते हैं। उसके बाद अगर जनवरी या दिसंबर में हम जब ग्राफ्ट करते हैं, तो ग्राफ्ट करने से करीब 1 सप्ताह पहले इसके पत्ते का डेफोलेशन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर से हम लोग काट देते हैं, जिससे कि डाल में ये मजबूती आ जाए। और जब 6-7 दिन के बाद जब ये पत्ता जहाँ से कटा है ये भाग थोड़ा गिरने लगता है अपने से सूख करके, तो तब ये डाली जो है ग्राफ्ट के लिए तैयार हो जाती है, मानी जाती है। तब इसको हम यहाँ से काटते हैं और फिर इसे ग्राफ्ट में प्रयोग करते हैं। तो बताओ ये वहाँ से कल्ला जब तैयार हो जाता है डिफोलेट के 6 से 7 दिन के बाद जो है उसको काट के वहाँ से लाते हैं, और फिर करीब 5 से 6 इंच का इसको टुकड़ा बनाते हैं, और इसको बाबा स्टीम के घोल में करीब 15 मिनट छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको निकाल करके छाया में रखते हैं, जिससे इसमें नमी बरकरार है। उसके बाद ला करके फिर हम ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। पहले बीजू पौधे का हम लोग चयन करते हैं, और जिस साइज का बीजू है उसी साइज का मोटा ये लेते हैं ग्राफ्ट के लिए, और इसको जो है ग्राफ्टिंग के समय यह ध्यान दिया जाता है कि जैसा हमारा जितना मोटा बीजू है सेम साइज का और उतने लंबाई का ये हमारा ग्राफ्टिंग का जो है सायन हो, और इसको हम लोग बांधते हैं। और इसको ये बंद करके तैयार हो जाता है। इसको हम लोग ग्रीन हाउस में लगा करके और इसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, जिसमें इसमें नमी बरकरार है और फुटाव इसका अच्छा आता है। इस तरह से ये कलम तैयार की जाती है। पंद्रह से 20 दिन के बाद इसमें फुटाव आने लगता है, और जैसे जैसे इसमें फुटाव आता है इसको हम कल्ले को इसमें जो कैप लगी है इसको निकाल देते हैं, और फिर ये इस तरह से कैप निकाल करके हम इसको तैयार करते हैं। इस तरह क्यारी में जैसे जैसे आता जाता है बिल्कुल उस तरह से हम कैप निकालते जाते हैं, और जो उसमें निकल जाता है उसका कैप निकाल के बढ़िया बढ़िया जाबू।
जी, जब ग्राफ्टिंग के बाद जब हम उसका कैप निकाल लेते हैं तो करीब एक महीने के बाद इस तरह से ये हमारी कलम तैयार हो जाती है। फिर इसका कल्ला इस समय करीब 7 से 8 इंच तक का हो जाता है। तो इस समय हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ता है कि ग्राफ्टिंग के नीचे से कोई बीजू पौधे का कल्ला ना निकले और उसमें कोई कीड़ा ना लगे। यह तो बढ़िया गुरु, ये ललित प्रजाति का तैयार किया हुआ ग्राफ्ट है। ये ग्राफ्ट करने के ये करीब 15 जनवरी के लगभग का ग्राफ्ट है हमारा। ये 15 जनवरी को ग्राफ्ट किया गया पौधा है। इसमें जो है जब इसमें पत्ते या कल्ले निकलने लगते हैं तो इसमें साथ में जो है फल और फूल जो है साथ में आने लगता है पत्ते के साथ में। तो ये देखिए इसमें फूल जो है आ चुका है। ये करीब 2 महीने का पौधा है। प्रजाति का पौधा है और जो जिसका रोपण 15/9/2012 को किया गया था, ये 7 साढ़े 7 महीने का पौधा है। इसमें इस प्रकार से फ्रूटिंग अभी से इसमें आना शुरू हो जाती है। ये श्वेता प्रजाति का पौधा है जो CIS लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया था और इसको अपने यहाँ ला करके मैं मदर प्लांट में लगाया हूँ और अपने यहाँ ये ग्राफ्ट करके तैयार किया गया पौधा है जिसकी इसका रोपण जो है 17/9/2012 को किया गया था। ये भी करीब 7 से 7.5 महीने का पौधा है। इसकी साइज 400 से 500 ग्राम तक की होती है जाड़े में और ये अच्छा कमर्शियल प्रजाति का पौधा है जिसे किसान लगा सकते हैं। फल फूल ये ललित प्रजाति का पौधा है। ये भी CIS लखनऊ द्वारा चयनित वहाँ से निकाला गया यह पौधा है। ये अंदर से लाल होता है, 250 ग्राम से 400 ग्राम की साइज का ये फल होता है। ये अंदर से लाल होता है और ये हाई यील्ड वैरायटी है। किसानों के कमर्शियल पर्पज से लगाने के लिए ये उपयुक्त पौधा है और इसका रोपण जीव के लिए है। इसका रोपण 15/9/2012 को किया गया है। ये भी लगभग 7 से 7.5 महीने का पौधा है। ये अपने हमारे यहाँ नर्सरी में अपने हाथ से तैयार किया गया ग्राफ्ट है ललित का और ये हाई यील्ड वैरायटी है और प्रोसेसिंग इसका फल जो है प्रोसेसिंग वैरायटी है। ये अंदर से लाल होता है इसका गुदा और ये हाई यील्ड है इसलिए किसानों को कमर्शियल तरीके से इसको लगाना चाहिए और इसकी खेती करें तो वो बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। ये सुरखा प्रजाति का पौधा है। ये ऊपर से सफेद की तरह लाल होता है। इसकी साइज 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक की होती है। ये जाड़े में सुर्ख कलर का होता है इसलिए इसका मार्केट रेट अधिक रहता है। हर मनुष्य से ये भी कमर्शियल लगा जा सकता है। ललित, श्वेता और इलाहाबाद सफेदा की मांग ज्यादा। हम जो है 9 वैरायटी के पौधे तैयार करते हैं जिसमें जो है ललित, श्वेता, इलाहाबादी सफेदा, GS पसंद, संगम, सुरखा, ग्वालियर 27, पंथ प्रभात और बीही 1 प्रजातियां है। जिसमें जो है 4 प्रजाति का पौधा हम जो है बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं जिसकी मांग जो है भारत के करीब सभी प्रदेशों में है। जिसमें जो है ललित, श्वेता, इलाहाबादी सफेदा और GS पसंद की मांग हर जगह जो है बनी रहती है।